सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो आइए वचनों में जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ मत्ती उसका अध्याय 13 और वचन 43। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। आज का ये आशीष भरा वचन हम सभी के लिए है। पवित्र आत्मा आज हम सभी से बात करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वचन को आखिर तक सुने और ज्यादा से ज्यादा इस वचन को आप शेयर भी करें। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मत्ती उसका अध्याय 13 और वचन 43। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। यहां पर आप देखिए इस वचन की शुरुआत कैसे हुई है। धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में, ऐसा लिखा गया है। धर्मी लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु का वचन अपने सामने रखकर अपने जीवन को जीते हैं, जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, और वही धर्मी लोग जो प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान भी देते हैं। और बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 119 और उसका पहला वचन, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले लोग, जो चाल के खरे लोग, वैसे ही लोग प्रभु की नजर में क्या है? धर्मी है। हालेलुया। और अभी जैसे हम इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं कि धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, लेकिन ये वचन सबसे आखिर में दिया गया है। अगर आप ये पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह वचन आखिर में ही क्यों डाला गया है। और इस वचन का टाइटल जो है वो ये है, जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। हालेलुया। हम मत्ती उसका अध्याय 13 और 36 के आगे हम पढ़ने वाले हैं, हम उसे देखने वाले हैं। तो आइए पढ़ेंगे। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज उस दुष्ट की संतान है। इस वचन में हमें दो बीजों के बारे में बताया गया है। एक बीज जो है अच्छा बीज है और दूसरा बीज जो है जंगली बीज है, जो दुष्ट की संतान उसे कहा गया है। हालेलुया। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आज हम कौन सा बीज बनना चाहते हैं? यस, हर कोई कहेगा कि मुझे अच्छा बीज ही बनना है। और अच्छे बीज के गुण क्या होते हैं? कि वो फलदायी होता है, वो फल देता है। हालेलुया। और उसके कारण कई सारे लोग आशीषित हो जाते हैं, वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होता है और वो यीशु मसीह की ज्योति बनकर काम करता है। और वो अच्छा बीज इस अंधियारे जग में यीशु मसीह की ज्योति फैलाता है। हालेलुया। वो अच्छा बीज इस अंधियारे जग को अपनी रोशनी से, प्रभु के वचन से प्रकाशित करता है। और धर्मी इज इक्वल टू हम अच्छा बीज, फलदायी बीज भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि जो धर्मी होता है वही तो फलदायी मनुष्य होता है, वही तो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होता है। और वैसा ही मनुष्य इस अंधियारे जग में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, जो उसका वचन है, उसे ले जाता है। हालेलुया। और जैसे हमने इस वचन से शुरुआत की है, धर्मी लोग प्रभु के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सूर्य के समान ही क्यों? मैं आपको बताता हूं। सूर्य का काम क्या होता है पता है? सूर्य जो है सबको उजियाला देता है। आप कल्पना कीजिए, अगर एक दिन सूरज नहीं उगा तो क्या होगा? इस पूरे पृथ्वी पर अंधकार छाया करेगा, ये पूरी पृथ्वी अंधकार से भर जाएगी। और प्रभु की हमसे बस यही इच्छा है कि हम भी सूर्य के समान इस अंधियारे जग में चमकते फिरे। हालेलुया। और बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनी उसका अध्याय 5 और वचन 5 और वचन 8, क्योंकि तुम दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं
ना अंधकार के। 8वां वचन, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। देखिए प्रियो, यहां पर हमें सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। अगर हमें अच्छा बीज बनना है तो हमें उस खराब बीज से, जंगली बीज से दूर रहना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब कभी आप मार्केट में जाते हैं और आप आम की पेटी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उन आमों को, सब आमों को आप चेक करते हैं कि वो अच्छे हैं या खराब है। अगर उस आम की पेटी में एक भी अगर आम खराब निकला तो वो पूरे आम को खराब कर देता है, पूरे के पूरे आम खराब हो जाते हैं उस एक आम की वजह से। वैसे ही है विश्वासियों का जीवन। अगर हमें सूर्य के समान चमकना है तो सबसे पहले हमें धर्मी बनना होगा, प्रभु से और उसके वचन से जुड़े रहना होगा, प्रभु को थामे रहना होगा। और जैसे वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, उसी प्रकार हमें यीशु से लिपटे रहना होगा। और बाइबल क्या कहती है, जो पेड़ जो डालियां फल नहीं देती उन्हें क्या किया जाता है, काट कर अग्नि के भट्टे में डाला जाता है, क्योंकि वो डालियां, वो पेड़ किसी काम का है ही नहीं। और बाइबल हमें एक ऐसे धर्मी पुरुष के बारे में बताती है जो प्रभु के साथ चला और सूर्य के समान भी वो चमका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूसुफ की। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसके भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई। जब उसने पहला स्वप्न अपने भाइयों को बताया, उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसको बेच डाला। बेचारा कभी यहां बेचा गया, बेचारा कभी वहां बेचा गया, कितनी बदतर उसकी जिंदगी हो गई थी। लेकिन वो धर्मी पुरुष था, वो प्रभु की व्यवस्था पर, प्रभु के वचन पर चलने वाला वो व्यक्ति था, प्रभु का भय मानकर वो चलने वाला व्यक्ति था। पोतीफर के पत्नी के साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको बंदी गृह में डाला गया। चुपचाप उसने वो सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन वो पाप से दूर रहा, लेकिन वो बुराई से दूर रहा। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया और वो मिस्र का अधिपति बन गया। यही तो होता है जब हम धर्मी हो जाते हैं प्रभु की नजर में, हमारी नजर में नहीं, क्योंकि हम तो खुद को बहुत धर्मी समझते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, जो मेरा भय मानता है, जो मेरी व्यवस्था पर चलता है, जो चाल का खरा है, जो मेरे वचनों के आधार पर अपने जीवन को जीता है, वही मेरी नजर में धर्मी है। और वचन क्या कहता है, मत्ती उसका 5:6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हमें धर्मी बनना है, हमें प्रभु के लिए भूखा और प्यासा बनना है। हालेलुया। ऐसे ही यूसुफ की बढ़ोतरी नहीं हुई, ऐसे ही यूसुफ सूर्य के समान नहीं चमका, लेकिन उसने प्रभु का भय माना, वो बुराई से दूर रहा। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यिर्मयाह उसका 17:8, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा होता है और उसकी जड़ें जल के पास फैली होती है, जब धूप होगी तब उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वो फलता ही रहेगा। हालेलुया। ये प्रभु का जीवित वचन यूसुफ के जीवन से बहुत अच्छे से मेल खाता है। अब देखिए ना क्या लिखा है, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वो फलता ही रहेगा। यूसुफ के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो फलता ही चला गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यूसुफ उस पेड़ के समान था जिसकी जड़ें नदी के किनारे लगी होती है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 1:3, उसका 3वां वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती
नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है और जिसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफलता ही हासिल करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे उसके बाद ही हम फलदायी बनेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको यही तो बताने आया हूं, अगर अच्छा बीज बनना है, अगर प्रभु की नजर में धर्मी बनना है, उसके बाद ही हम प्रभु के राज्य में सूर्य के समान चमक सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती ही है और प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ आसान किया है। वो क्या कहते हैं, तुम मेरे लिए भूखे और प्यासे बन जाओ, तुम मेरे मार्गों पर चलो। उनको सामने रखकर, उनके वचनों को सामने रखकर हमें जीवन जीना है, प्रभु का भय मानना है, बुराई से दूर रहना है, प्रभु की नजर में हमें धर्मी बनना है, उसके बाद ही हम सूर्य के समान चमक पाएंगे। और जैसे लिखा गया है, अच्छा बीज और दुष्ट बीज, हमें अच्छा बीज बनना है, हमें फलदायी बीज के समान बनना है जो प्रभु के लिए हमेशा उपयोगी हो। आइए हम यही आज प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तू हमें तेरे लिए उपयोगी पात्र बना प्रभु, जो पात्र हमेशा हर एक परिस्थिति में तेरे लिए सदा तैयार रहे। हालेलुया। तो आज निश्चय करें कि मैं प्रभु के वचनों पर ही चलूंगा, मैं हर एक बुराई से दूर रहूंगा, मैं प्रभु का भय मानकर उसके वचनों को थामे रहूंगा, मैं प्रभु से जुड़े रहूंगा, मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार हर जगह फैलाऊंगा। हालेलुया। और मैं एक फलदायी बीज के समान रहूंगा, उसके बाद मैं सूर्य के समान चमकूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज के इस वचन के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने कहा है धर्मी लोग ही प्रभु के राज्य में सूर्य के समान चमक सकते हैं। तू हमें धर्मी बना प्रभु, तू हम सभी को तू सहायता कर कि हम तेरी नजर में धर्मी बने, हम तेरी व्यवस्था पर चलने वाले लोग बने, हम चाल के खरे लोग बने, जैसे यूसुफ था वैसा हृदय तू हम सभी को दे प्रभु, तेरा भय मानकर हम चलने पाए प्रभु, और हम सबके जीवन में तेरी ही इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। हम सभी को तू यूसुफ जैसे सूर्य के समान चमका, वैसे ही तू हम सभी को तेरे राज्य में सूर्य के समान चमकने दे प्रभु। तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हम सभी पर बरसने दे प्रभु। फिर एक बार हम सभी लोग अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। ले ये जीवन और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर प्रभु। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, उसको थामे रहें, उसके वचन को सामने रखकर अपने जीवन को जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है।